नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े साई मंदिर चौक के समीप करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह की गाड़ी पर अपराधियों ने एक के बाद एक 3 बम से हमला किया। गनीमत रही कि इस हमले में गणेश सिंह को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि गणेश सिंह सर्किट हाउस स्थित अपने रेस्टोरेंट जा रहे थे, इसी दौरान 3 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने उन पर बम से हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही सोनारी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे अमरनाथ गिरोह का हाथ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक 2 बम दीवार में लगकर फूट गए, जबकि 1 बम उनकी कार में लगकर मिस कर गया। गणेश सिंह ने अमरनाथ सिंह पर हमला कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वो अपने रेस्टोरेंट जा रहे थे, इसी दौरान सड़क किनारे खड़े 6 बदमाशों ने उनके कार पर बम से हमला किया। सभी बदमाश हेलमेट पहने हुए थे। सोनारी थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने कहा कि घटना की छानबीन चल रही है। 6 अपराधियों द्वारा बम से हमला किया गया, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गणेश सिंह मानगो डिमना रोड के रहने वाले हैं। गुरुवार दोपहर सोनारी साई मंदिर के पास 6 बदमाशों ने उन पर बम से हमला कर दिया। गणेश सिंह अपनी कार से सर्किट हाउस स्थित अपने रेस्टोरेंट जा रहे थे, इसी दौरान साई मंदिर के पास सड़क किनारे खड़े 6 युवकों ने उन पर बम से हमला किया। इस घटना में वो बाल बाल बच गए। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।